जिला किसान मोर्चा ने राष्ट्रीय आह्वान पर केंद्र सरकार के खिलाफ किया झुरू बंद। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रीय आह्वान पर आज झुरू जिला मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष रामरतन सिहाग के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया। जिलाध्यक्ष रामरतन सिहाग ने बताया कि केंद्र सरकार के तीन काले भूमि कानूनों को वापस लेने के लिए और MFPR पर कानून बनाने के लिए तथा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने व तेज गति से बढ़ने वाली महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम जिस वजह से बढ़ रहे हैं, आम उपभोक्ता का जीवन त्रस्त है और निजीकरण सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने की वजह से आज तक इतिहास में बेरोजगारी का चरम बना हुआ है। चारों ओर धार्मिक उन्माद के अलावा कुछ भी नहीं फैल रहा हुआ है। सिर्फ कारपोरेट धरनों के अलावा कोई वर्ग प्रगति नहीं कर रहा। आम व्यापारी, गरीब, मजदूर और की हालत दयनीय है। इस हेतु चूरू बंद के आह्वान पर शांतिपूर्ण तरीके से अपील कर बंद करवाया जाएगा। सभा में उपस्थित कांग्रेस नेता मुश्ताक खान ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों के साथ विश्वासघात किया है। हम सब किसानों के साथ हैं और बंद का समर्थन करते हैं। सभा में रियाजत खान, डॉक्टर राहुल कसवा, राधेश्याम चोटिया, रफीक चौहान, किसान सभा के इंद्रजल सिंह, जमीन चौधरी आदि ने संबोधित किया। राजेंद्र, बसपा के लालचंद और लोपा के मुकेश न्योल और मजदूर संगठन ट्रेड यूनियन, बैंकिंग और बहुत से संगठनों के लोग भी शामिल थे। सभा में सुरजमल गुजर, जंसोर खान, महासचिव विकास बुड़ानिया, आरिफ पिथिसर, राजेंद्र बुड़ानिया, MD दनेवा, हरदयाल बिंजारनिया, विक्रम भांबू, रणवीर सुरेका, सहारण मील, बाबूलाल प्रजापत, भोमाराम हरि सिंह, रामपाल सिसपाल, पूर्णमल भांबू। शहर में अलग अलग व्यापारियों ने किसानों का समर्थन किया और जूस पिलाया तथा पुष्प वर्षा की। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राम रतन सिहाग ने गढ़ चौराहे, सुभाष चौक और रेलवे स्टेशन पर व्यापारियों को बंद सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया तथा वापस जिला मुख्यालय पर पहुँच कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। और जिला अध्यक्ष राम रतन सिहाग ने सफल बंद को लेकर किसानों को धन्यवाद भी दिया। नहीं करेगा,
इसलिए सारे व्यापारियों से जरूर प्रस्ताव करेंगे कि आपके दिन एक दिन आप हमारा सहयोग दें। सारे हम चलेंगे साधनों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अपील करेंगे, कोई किसी प्रकार की अप्रिय वारदात नहीं करें, सभी चलेंगे स्वस्थ रूप से एक साथ। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, मुख्यमंत्री कहा है आए किसान मोर्चा के निर्णय अनुसार हम स्वयं किसान मोर्चा के जितने भी लोग हैं वो सारे बाजार में जाएंगे और विनम्रता से शांतिपूर्ण तरीके से अपील करेंगे और निश्चित रूप से बंद कराएंगे। किसी प्रकार के कोई अप्रिय व्यवहार की बात नहीं आएगी, सारे बंद करेंगे, निश्चित रूप से बंद करेंगे। आपको नहीं लगता कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, किसान जो दूर दराज से गाँव में रहते हैं वो अभी आए हैं, अभी अपील करेंगे, बारिश का मौसम है, फसल का मौसम है, फसल पक के तैयार होगी, अत्यधिक वृष्टि होने के कारण किसानों की फसलें खराब भी हो गई हैं, तो समय लगता है किसान के दैनिक क्रिया क्रम से वो निवृत्त होकर पाए और हम अपील करेंगे और निश्चित रूप से व्यापारी हमारी अपील को स्वीकार करेंगे और बंद भी हमारा सहयोग करेंगे। कार्यक्रम ये रहेगा, मुख्य मार्गों से यहाँ से होते हुए हम रेलवे स्टेशन सुभाष चौक और गढ़ चौराहे धर्मस्तूप लाल घंटाघर इंद्रमणि पार्क से होते हुए स्टेशन तक आएंगे और सबसे शांतिपूर्ण अपील करेंगे। 27 संघों को सभी किसान संघों द्वारा सभी बीजेपी समर्थित पार्टियों के अलावा सभी पार्टियों को इस बंद को समर्थन प्राप्त है और ये जो बंद है किसी पार्टी का ना होकर पूरे देश का भारत बंद का आह्वान है, ये सफल होगा, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं क्योंकि जो तीन काले कानून है जो पास किए वो पूरे देश के लिए घातक है और पूरे देश की कृषि व्यवस्था को बर्बाद कर देंगे, उसके विरोध में ये जो बंद का ऐलान किया गया आज बंद सफल होगा। आपको नहीं हम सभी विनम्र पूर्वक जो भी बंद करना चाहेगा समर्थन करना चाहेगा उसी को बंद करवाएंगे, यदि कोई खुली रखता है तो उसकी मर्जी, हम तो विनम्र पूर्वक प्रार्थना करके बंद करवाने का समर्थन। धन्यवाद।